हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं यूपीपीएससी में जो लेक्चरर वैकेंसी आई हैं उनके बारे में कुछ सुझाव दूंगा, बताऊंगा कि वैकेंसी किस तरीका से हैं और कब तक उसकी लास्ट डेट है और क्या उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। साथ साथ कुछ आगे वीडियो अपलोड करूंगा इससे संबंधित, और फिजिक्स में फिजिक्स लेक्चरर कैसे बने उस पर भी कुछ वीडियो में अपलोड करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये वीडियो है, जो जिन बच्चों को भी इस फॉर्म के बारे में आइडिया नहीं है उनके लिए काफ़ी बेनिफिट देगी और बच्चों को अवेयर करेगी कि कहाँ कहाँ वैकेंसी हमारी आई हुई हैं। तो आजकल वैकेंसी आई हुई हैं यूपीपीएससी से और उत्तर प्रदेश पीएससी से लेक्चरर वैकेंसी हैं। ये इसके लिए जो वैकेंसी हैं उनका जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो थी उसकी डेट थी 22 दिसंबर 2012 में ये एडवर्टाइज हुई हैं पोस्टें। जो फी ऑनलाइन जमा होनी है वो 18 जनवरी 2021, तो इसके अंदर ध्यान रखें कि 18 जनवरी से पहले पहले फी हमारी जमा हो जानी चाहिए। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन सबमिशन की वो 22 जनवरी है। तो इन डेटों पे बहुत ध्यान रखें कि कब तक इनकी डेट है। साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 3 स्टेजों में कंप्लीट होनी है और तीनों स्टेजों को केयरफुली कंप्लीट करें। कई बार स्टूडेंट जो ध्यान नहीं देता, एक स्टेज ही केवल करके फिर आगे की 2 स्टेजों को छोड़ देता है, तो ध्यान रखें 3 स्टेज हैं, उन तीनों स्टेजों को अच्छे से कंप्लीट करें। उन तीनों स्टेजों के बारे में मैंने इस पर साइट का नाम लिख दिया है जिस पर आप वैकेंसी देख सकते हैं। ये upsc.nic.in पे है, और जब आप इस साइट पर पहुंचेंगे तो वहां पे साइट के ऊपर सर्च कर लें नोटिफिकेशन अपॉन एडवर्टाइजमेंट, इसको क्लिक करें और उसका जो सेकंड नंबर है उस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये वैकेंसी ओपन हो जाएंगी। तो ये मैंने लिंक भी बता रखा है इस पे कि आप किस लिंक के थ्रू पहुंचें। साथ साथ बताना चाहूँगा कि जो एप्लीकेशन फ़ी है वो अनरिजर्व्ड और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 100 जो है वो एग्जाम फी है और 25 जो है ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी है। इसके लिए इसमें एप्लीकेशन फ़ी जो है वो प्रॉपर कर लें। जो आपके पास साइबर कैफ़े वाले हैं उनके पास जाएं और वो साइबर कैफ़े वाले आपको फॉर्म भरवा देंगे, पूरा उसमें मदद करेंगे, या आप घर से भी ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। पे स्केल जो होगा इसका वो 9300 से लेकर 34100 तक है, 9300 से लेकर 34800 तक का इसका पे स्केल है। इसका ग्रेड पे जो है वो 4800 है 4100, और इसके लेवल 8 की ये पोस्ट है। तो ये पे स्केल के बारे में मैं आइडिया दे रहा था। सिलेक्शन का जो इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा वो प्री और मेंस होंगे, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं इसे कहूँगा क्योंकि इस बार इसके अंदर इंटरव्यू नहीं हो रहा है। तो अगर आप प्री पहले क्वालिफाई कर लेते हैं और मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो नौकरी पाने का बहुत ही ब्राइट चांस है, खासतौर से जिन्होंने एमएससी अभी किया है या जो पहले गेट नेट बार की तैयारी में है, कम्पिटिशन्स की तैयारी में, उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं इसे कहूँगा। इस बार इसमें कोशिश करें, आपको निश्चित तौर से कामयाबी मिलेगी, थोड़ी मेहनत करेंगे। इसमें ये भी याद रखें कि जो मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड है कि आप अगर प्री में या मेंस में अगर इतने परसेंट मार्क्स अगर ऑब्टेन नहीं करते तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उसमें क्राइटेरिया उन्होंने फिक्स कर दिया है कि 35% एससी के लिए और 40% अदर्स के लिए मिनिमम क्राइटेरिया, के इतने परसेंट मार्क्स आपके आने ही चाहिए। पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी तो ये भी ध्यान रखें कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की है, तो ऐसे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने का ना सोचें जो क्वेश्चनों के बारे में आपको कुछ भी नहीं आइडिया है, तो ये भी ध्यान रखें। साथ साथ ये याद रखें कि जो सिलेक्शन है वो मैं ऑलरेडी बता रहा था कि सिलेक्शन जो होगा इसमें जो मेंस एग्जाम की परफॉर्मेंस है, पहले आपको प्रीलिम्स में जाना होगा। प्रीलिम्स में वो जो स्टूडेंट हैं प्रीलिम्स में जो अपियर करेंगे उनमें से कुछ स्टूडेंट्स फिर मेंस के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। तो 2 स्टेजों में इसमें सिलेक्शन होगा, पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ेगा और फिर प्री के बाद में आपको मेंस में अपियर करना पड़ेगा। तो ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें केवल एमएससी की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए, जो लास्ट डेट है उस डेट तक आपके पास में एमएससी की मार्कशीट हो, ये इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी मैंने इसमें बता रखी हैं कि मेल ब्रांच में वैकेंसियों की संख्या है 991 और फीमेल ब्रांच में जो है वो 482 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसी हैं मेल और फीमेल दोनों में ही। फिजिक्स जो मेरा अपना सब्जेक्ट है उसमें मैंने वैकेंसियों को अलग अलग भी बताया है इसमें कि मेल के लिए जो वैकेंसियों की संख्या है वो टोटल 105 है, अनरिजर्व वैकेंसी है 43, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10 रिजर्व हैं, ओबीसी के लिए 28 रिजर्व हैं, एससी के लिए 22 और एसटी के लिए 2 हैं। तो ये कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है इनमें। फीमेल के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं वो 57 हैं और अनरिजर्व जो है उनमें से वो 23 हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 6 वैकेंसी, ओबीसी की 15 वैकेंसी,
एससी के लिए 12 वैकेंसी और एसटी के लिए 1 वैकेंसी है। तो अच्छी खासी वैकेंसी है, अगर आप दोनों वैकेंसियों को जोड़ें आप मेल और फीमेल की, तो ये अप्रोक्स जो वैकेंसी है वो 162 बन जाती हैं। तो एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा मौका है बच्चों के लिए जो जॉब चाहते हैं और जो काफ़ी दिन से प्रयासरत हैं, तो उन्हीं के लिए ये मेरा प्रयास था बताने का कि आप इस फॉर्म को जो है उसे ध्यान से फिल कर दें और लास्ट डेट के लिए ना जाएं, उससे पहले ही इसे फिल कर दें, इसकी पूरी फॉर्मेलिटी पूरी कर दें। साथ साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत जल्दी ही मैं फिजिक्स के लिए आप लेक्चरर बनने के लिए कैसे प्रिपेयर करें उस पर एक प्लानिंग वीडियो दूंगा, और साथ साथ बच्चों की मदद भी करूंगा इसके लिए कि बच्चे कैसे इसके अंदर सिलेक्शन लें, कैसे वो लेक्चरर बने यूपीपीएससी के थ्रू। तो ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एडवर्टाइज है, उसी की साइट से मैंने ये सब इन्फॉर्मेशन ली है। उनमें साथ साथ मैं कुछ और भी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा समय समय पर जॉबों की। तो इस चैनल को लगातार देखते रहें, कंटेंट को सब्सक्राइब कराते रहें और आप बताते रहें आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसे मार्क करें। मैं आगे कुछ और अच्छी वीडियो इस फील्ड में अपलोड करने के लिए प्रयासरत हूँ, आगे अपलोड करूँगा। तो शुभकामनाओं सहित इस वीडियो को यहीं तक आप देखें। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।